हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में पार्टिकल डायनेमिक्स पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सो आप एक बार पहले क्वेश्चन सुने। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg रेस्ट्स ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 30° विद द हॉरिजॉन्टल। कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड प्लेन इज 0.7। फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, यानी आपको बताना है कि उस बॉडी जो कि एक ब्लॉक है उस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है। सो ध्यान दें, प्रॉब्लम क्या, एक बार देखें कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक को रखा गया है। इस इंक्लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30° गिवन है। ब्लॉक जो इसमें प्लेस है वो 2 kg ब्लॉक है। इसके अलावा फ्रिक्शन कोफिशियंट म्यू का वैल्यू 0.7 गिवन है। आपको यह बताना है कि अगर यह ब्लॉक रेस्ट में है तो इस ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है। सो ध्यान दें, इस ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए क्या क्या फोर्सेस इस पर लग रहे हैं, पहले मैं उस फ्री बॉडी डायग्राम को देखना चाहूंगा और तब इसकी रेस्ट कंडीशन के लिए एक इक्वेशन डेवलप करना चाहूंगा। सो क्लियरली सबसे पहले फोर्स एनालिसिस कर लेते हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक को सरफेस से मिल रहा है जिसको मैं कुछ इस तरह से प्रेजेंट करूंगा। mg वर्टिकली डाउनवर्ड परफॉर्म कर रहा है जो कि 20 न्यूटन है और इसके दो कंपोनेंट 20 cos 30 यानी 20 रूट 3 बाय 2 यानी 10 रूट 3 न्यूटन और इस डायरेक्शन में 20 sin 30 यानी 10 न्यूटन होने चाहिए। यह कैलकुलेशन सिंपल है, आप समझ सकते हैं कि 20 न्यूटन का ये कंपोनेंट 20 cos 30 होना चाहिए। ये एंगल 30° होगा, आप ये समझ सकते हैं। सो इस कंपोनेंट को 20 cos 30 यानी 10 रूट 3 होना चाहिए जबकि इस कंपोनेंट को 20 sin 30 यानी 10 न्यूटन। फ्रिक्शन इस ब्लॉक को रेस्ट में बनाए रखने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। मैं इसे F लिख रहा हूं और कुछ इस तरह का पिक्चर बनेगा सभी फोर्सेस को बनाने के बाद। अगर इस इंक्लाइन की डायरेक्शन को आई कैप और नॉर्मल की डायरेक्शन को जे कैप कंसीडर कर लिया जाए और यह समझा जाए कि यह ब्लॉक रेस्ट में है तो उस कंडीशन के लिए डायनेमिक्स की इक्विलिब्रियम इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, एक बार उसे समझें। हम लिख सकते हैं 10 न्यूटन आई कैप माइनस एफ आई कैप या अपोजिट डायरेक्शन में इसीलिए माइनस लगाया गया है प्लस एन न्यूटन जे कैप माइनस 10 रूट 3 न्यूटन जे कैप और इसे होना चाहिए नल वेक्टर जिसे मैं लिख रहा हूं 0i प्लस 0j। और अब अगर हम सिमिलर कोफिशियंट्स कंपेयर करें बोथ साइड तो 10 माइनस एफ को 0 होना चाहिए जबकि n की वैल्यू को 10 रूट 3 होना चाहिए और जिसे इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखा जा सकता है। कुछ इस तरह के आउटकम आए हैं, यानी फ्रिक्शन के वैल्यू को 10 न्यूटन होना चाहिए जबकि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को 10 रूट 3 न्यूटन। एक बात यहां पर ध्यान दें कि नॉर्मल रिएक्शन 10 रूट 3 न्यूटन एक्सर्ट हो रहा है तो एक बार हम इस म्यू की हेल्प से नॉर्मल रिएक्शन को यूज करके एफ मैक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे। एफ मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू एन से दी जाती है तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये कैसा आएगा, एक बार देखें। ये बन जाएगा 7 × 1.732 न्यूटन यानी इसे सॉल्व करने पर बनेगा 12.124 न्यूटन। वैसे इस एफ मैक्स की वैल्यू को देखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था क्योंकि ये गिवन है कि बॉडी रेस्ट में है तो हम जानते थे कि एफ मैक्स का वैल्यू एफ से ज्यादा आएगा। लेकिन एफ मैक्स का वैल्यू अदर प्रॉब्लम्स में भी निकाल के ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि बॉडी रेस्ट में रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। किसी भी प्रॉब्लम में अगर हम क्वेश्चन को इक्विलिब्रियम मान के इनिशिएट करके फ्रिक्शन की वैल्यू इस तरह के सवालों में निकाल लें और माना म्यू का वैल्यू इतना कम हो कि बॉडी इक्विलिब्रियम में न रह सके तो एफ मैक्स को कैलकुलेट करके उसकी एफ से छोटी वैल्यू देख के यह आइडिया लग जाता है कि हमने जो शुरू में इक्विलिब्रियम में रहने का एजम्पशन माना था ब्लॉक के लिए वो गलत था और ब्लॉक मोशन करेगा।
सो इस तरह से एफमैक्स का वैल्यू निकाल के ब्लॉक की रेस्ट कंडीशन और उसके मोशन में होने को एनालाइज किया जाता है। सो इस क्वेश्चन में चूंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछी गई थी तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू कैलकुलेट हुआ है वो 10 न्यूटन है। एक बात यहां पर और ध्यान रखें, ये 10 न्यूटन वैल्यू जी को 10 मान के कैलकुलेट हुई है। अगर ग्रेविटी की वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माना जाए तो फिर इस आंसर में आप देख पाएंगे कि इस 10 न्यूटन के प्लेस पर 9.8 न्यूटन आना चाहिए और इस 10 के प्लेस पर 9.8 लिखने के बाद इसे 9.8 रूट 3। और ऐसी स्थिति में फ्रिक्शन और नॉर्मल के वैल्यू 9.8 और 9.8 रूट 3 होंगे। और वही चेंज इस एक्सप्रेशन में भी होगा जिससे एसोसिएटेड चेंज एफ मैक्स में भी आएंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर चूंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछी गई है तो 10 न्यूटन या 9.8 न्यूटन आना चाहिए। चूंकि ऑप्शंस ग्रेविटी की वैल्यू को 9.8 मान के सेट किए गए हैं तो जो ऑप्शन सही इसमें पिक हो रहा है वो इसकी फर्स्ट चॉइस है जो कि 9.8 न्यूटन है। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को एक इक्वेशन बना के इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।